आज जो हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज योर द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सर सारे चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब भी आप पढ़ाते हैं लिखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? शॉर्टकट में इसको कहते हैं। एक और चैप्टर आप लोग स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्यों? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यस सर। फिलहाल हम इसकी कोई बात नहीं करने जा रहे, जैसा नाम है चैप्टर का वैसा काम है, कुछ ऐसा ही है। जरा इसको बोलकर देखो तो क्या मुंह से निकलता है, टीडीएस। और टीडीएस मतलब होता भी जटिल है। क्यों? पक्का ना? क्या है इस चैप्टर में? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दो लोग होते हैं, एक पेयर एक पेई, एक पेयर और पेई। सरकार को भरोसा नहीं है आप पर, सरकार को भरोसा नहीं है आप पर, नहीं आप पर हाँ सब लोग को पर भरोसा किस चीज का नहीं है? कि आप लोग इनकम कमा तो लेते हो लेकिन टैक्स के नाम पे लाइक करते हो, ठेंगा दिखाते हो। क्या करते हो? क्यों इतने दुखी? क्यों सुबह सुबह इतना कह रहा है? 12 सुबह हो रही है, मतलब दोपहर तक तुम खत्म हो जाते हो खत्म लीला खत्म तुम्हारी। देखो इधर, तो पेयर और पेई, हम लोगों ने भाई मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए का पेमेंट दिया। अब मिस्टर वाई उसको अपनी बुक्स में दिखाता है एज अ इनकम या नहीं दिखाता, वो बात की बात है। अगर दिखाता है तो गवर्नमेंट विल गेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। बट वॉट अबाउट दोज पर्सन्स हु आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड दैट अमाउंट ऑफ इनकम? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, बेटर कि हम यहीं पर टैक्स कलेक्ट कर लें, यानी टैक्स को डिडक्ट कर लें। ये इसको पेमेंट करेगा तो टैक्स को काट करके पेमेंट करेगा। सर समझ में नहीं आई बात? अगर मेरा मकान मालिक आता है, मेरा मकान मालिक मुझसे कहता है 1 लाख रुपए का रेंट दो, मैं कहता हूं लो 1 लाख रुपए जो तुमसे बात हुई है, और मैं उसको हाथ में थमाता हूं 90,000। वो कहेगा 10,000 काहे के लिए नहीं दे रहे हो? मैं कहूंगा भैया 10,000 रुपए मैंने टैक्स काट लिया। मान जाएगा वो? नहीं मान जाएगा वो 10,000 रुपए अगर मैं टैक्स काट लूं तो? तुम लोग कह रहे हो नहीं मानेगा, लेकिन रियलिटी में उसको मानना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? उसको 90, इतना ज्यादा अभी हम पढ़ा कहा है, अभी तो हमें कहानी सुना रहे हैं। ज्यादा कम की बात बाद में होगी, माइट बी 30% हो वो, अभी हम कुछ रेट्स बता रहे हैं। हम तो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए किराया मांगने आया और मैंने उसको 90,000 रुपए दिया। मैंने कहा ये लो अपना किराया, कहता है ये 90,000, 10,000 कहाँ है? मैंने कहा मैंने टैक्स काट लिया। अरे ये कौन, तुम कौन होते हो मेरा टैक्स काटने वाले? तो मैं बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ पेयर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194 आई, ठीक है ना? देखा जाएगा। तो रेंट के बारे में मैं उसको बताऊंगा कि मुझे टीडीएस काटना है और उसको मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि आप टैक्स मत काटो, मैं तो जमा कर दूंगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? तो मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि सरकार पेई से बाद में लेगी देगी वो बात की बात है, एडजस्टमेंट होगा टैक्स का वो बात की बात है, लेकिन वाइल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ एनी इनकम फ्रॉम द पेयर टू द पेई और मेकिंग एनी अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पेई, अगर पेयर पेई के खाते में, हम दो लोग हैं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं पेयर तुम पेई, तुम लेने वाले, ये पेई है ये पेयर है, जो भी अमाउंट ये यहां से पेमेंट करेगा, जो भी अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, नॉट ऑल द अमाउंट्स, वो अमाउंट जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड हैं, जिनके बारे में अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर वो स्पेसिफाइड अमाउंट इसको पेमेंट करेगा तो पेमेंट करते समय टीडीएस काटना पड़ेगा, पेमेंट करते समय या अमाउंट में अकाउंट में क्रेडिट करते समय।
किसी भी तरीके से TDS को डिडक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? तो इसे कहते हैं हम लोग TDS। क्या कहते हैं सर? कुछ एग्जांपल दीजिए दो चार। सैलरी, मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉई, मैं तुम लोग को सैलरी दे रहा हूं, मुझे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इंटरेस्ट का अमाउंट पेमेंट कर रहा हूं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो चाहे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो। डिविडेंड, मैं पेमेंट कर रहा हूं, तुम डिविडेंड लेने वाले शेयर होल्डर। रेंट, मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूं, तुम मकान मालिक हो, तुम रेंट रिसीव करने वाले। कमीशन या ब्रोकरेज, मैं पेमेंट करने वाला और तुम कमीशन या ब्रोकरेज लेने वाले। लॉटरी की इनकम, वहां लॉटरी की इनकम। क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस की इनकम, मैं पेमेंट करने वाला और तुम लोग लेने वाले। कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट अगर मिलती है कॉन्ट्रैक्टी से, तो कॉन्ट्रैक्टर लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टी देने वाला। ये सारे अमाउंट्स हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, जिस पर हमारा TDS कटता है। बात करें, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान दें। बुक आपके हाथ में है और सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 190 की। सेक्शन 190, एवन दो द इनकम अर्नड ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल सब्सिक्वेंटली इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, द टैक्स ऑन दैट इनकम शैल बी पेबल बाई डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स और बाई एडवांस पेमेंट। तो ये सोचना भूल जाओ जो आज तक पढ़ाया गया था तुम लोगों को कि हम कमाते प्रीवियस ईयर में हैं और टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। दिमाग से निकाल दो, गवर्नमेंट बहुत चालाक है। गवर्नमेंट ने आपसे तीन और तरीकों से पेमेंट ले लिया टैक्स का समय से पहले, नॉट इन द असेसमेंट ईयर बट इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। TDS के नाम से, TCS के नाम से और एडवांस पेमेंट के नाम से। अब तो गवर्नमेंट ने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में बहुत ही बड़ा चेंज लाया है इस साल से, सेक्शन 44AD में। देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की बात हो रही है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने आपसे तीन अमाउंट ले लिए, TDS, TCS एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस टैक्स जिसको कहते हैं, क्या एडवांस टैक्स का मतलब? समय से पहले, यानी हम कमाएंगे, सुनना ढंग से, हम अर्न करेंगे जुलाई के महीने में, लेकिन टैक्स कब दे देंगे? टैक्स कब दे देंगे? जुलाई के, बोलो ना, इतनी मार खाओगे। कौन ऐसा आदमी है जो कमाया नहीं है उस पर टैक्स दे देगा? ऐसी बात बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे कौन दे देगा? हम अगले साल ना, हम अगले महीने जुआ खेलेंगे, 5 करोड़ कमाएंगे। सर कहा, अच्छा टैक्स दे दो, ले लो, घर बेच करके टैक्स दे दिया, कमाया जुए में जीते ही नहीं। ये कौन सा पैसा होता है, ये ऐसा कौन सा पेमेंट कर रहे हो तुम? एडवांस टैक्स डजंट मीन एट ऑल दैट वी विल अर्न इन फ्यूचर एंड बिफोर दैट अर्निंग वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, डजंट मीन एट ऑल। एडवांस टैक्स का मतलब जो हम कमा चुके हैं, कब कमाया है मैंने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कब तक कमाया है? मार्च तक, 2017 तक, अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक, ये हमारा प्रीवियस ईयर। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? अब हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो जो टैक्स हमें यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है दैट इज नोन एज नॉर्मल अमाउंट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर हम इसी टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट समय से पहले कर दें, ओ मार्च के अंदर तक, तो वो एडवांस टैक्स कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कमाया नहीं है, मैंने कमा भी लिया और टैक्स तो देना ही है, लेकिन समय से पहले टैक्स दे दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडवांस टैक्स। दिस इज नॉट इक्वल टू योर एडवांस सैलरी और एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस सैलरी, तुम काम करोगे ये सैलरी लो ले जाओ, तुम काम करोगे हम कमाएंगे ये लो सैलरी ले जाओ, दिस इज नोन एज एडवांस सैलरी।
उसको हम एडवांस सैलरी बोलते हैं, लेकिन एडवांस टैक्स के मामले में मामला थोड़ा उल्टा है। कौन ऐसा हिंदुस्तान में बंदा होगा जो कमाने के पहले टैक्स दे आए? कोई नहीं होगा। कमा लिया आपने, कमा लिया, अप्रैल मई जून में कमा लिया, अप्रैल मई एंड जून में कमा लिया, जुलाई में हम टैक्स दे दे रहे हैं, अगले साल ना दे करके जुलाई में ही टैक्स दे दे रहे हैं पहले, दिस इज नोन एज एडवांस टैक्स। अब क्लियर हुआ? तो हम समय के पहले दे दे रहे हैं लेकिन कमाने के बाद दे रहे हैं, तो इस एडवांस टैक्स का फर्क समझ में आया। तो सरकार हमसे सेक्शन 190 के हिसाब से तीन तरीकों से पहले ही पैसे ले लेती है टैक्स के नाम पर, जो आज तक हम लोग जानते नहीं थे। पहला TDS, TCS और एडवांस टैक्स के नाम से। सेक्शन 191 क्या कहता है? अगर सेक्शन 191 क्या कहता है, अगर मैं पेयर हूं और मैं टैक्स डिडक्ट करना भूल गया, या मुझे TDS चार्ज करना चाहिए था, डिडक्ट करना चाहिए था और मैं TDS नहीं डिडक्ट कर पाया, नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो रिसिपिएंट हो, जिम्मेदारी मेरी थी, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से भटक गया तो तुम तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप अपनी इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स का पेमेंट करेंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर उस पर TDS नहीं कटा है तो भी। इज इट क्लियर? पक्की बात है, हम आपको एस्केप होने नहीं देंगे। चलें आगे, आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 192, एंड इट विल टेक योर सब्सटेंशियल टाइम। सेक्शन 192, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ TDS, TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी। और ढंग से सुनना, दिस इज लाइक अ स्टोरी, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे इसका सॉल्यूशन तुम लोग को अपने आप मिलता चला जाएगा। एनी पेयर, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है यहां पर कि किस तरह का पेयर, कोई भी पेयर जो कहता है मैं एम्प्लॉयर हूं, और अगर वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, चाहे उसको अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करे या ना करे, देखो कितनी बड़ी बात है, कोई भी एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है, चाहे वो उसे अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करे या ना करे, डिडक्शन क्लेम करे या ना करे, एक एम्प्लॉय हो या 1,000 एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट करने वाला इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, LLP हो, AOPBOI हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयर कोई भी स्टेटस में हो, अगर वो एम्प्लॉयर है, अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, ड्यू बेसिस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, ड्यू बेसिस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, जब वो पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉय को सैलरी, देन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी द पेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ TDS। इज इट क्लियर? TDS का डिडक्शन करेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करेगा। सर रेट्स क्या रहेंगे TDS के? अरे वही रेट्स रहेंगे जो तुम लोग के स्लैब रेट हैं, 2.5 लाख तक नेल है, 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 10% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30% है। हाँ या ना? पक्की बात है? हमारे जो टैक्स रेट है, अगर हम असेसमेंट ईयर 16-17 की बात करें और असेसमेंट ईयर 17-18 की बात करें, तो सरचार्ज यहां पर रहता था 12%, अगर 1 करोड़ के ऊपर हो, याद होगा तुम लोग को। लेकिन असेसमेंट ईयर 17-18 से सरचार्ज हो गया है 15% अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। इज इट क्लियर? क्लियर है?
कहने का मतलब ये कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट करते समय उसको टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। किन रेट से? स्लैब रेट से, रेट्स इन फोर्स से। किन रेट से? स्लैब रेट से या रेट्स इन फोर्स से। बात वही हुई, मतलब वही हुआ, दोनों में से जो बोल लो। रेट्स इन फोर्स मीन्स स्लैब रेट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर है? पक्की बात है? नॉर्मल बिल्कुल है कि अगर कोई, हाँ बोलो। हम बता रहे थे आपको, आप अपनी प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए छिपा कर रखिए। हमने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी का पेमेंट करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, स्टेटस क्या है पेयर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टीडीएस चार्ज करना ही है। किस रेट से? रेट्स इन फोर्स यानी स्लैब रेट से। इज इट क्लियर? पक्की बात है? आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी आएंगे, कहानी पूरी बची हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एम्प्लॉई अपने एक ही साल में दो दो एम्प्लॉयर के यहां काम करता है, हो सकता है, या एक को छोड़कर दूसरे के यहां जा सकता है, यह भी हो सकता है। एक के यहां 7 महीना काम किया, छोड़ करके 5 महीना दूसरे के यहां काम किया, या एक ही साथ दो दो जगहों पर काम करता है, कर सकता है? मना करोगे उसको? नहीं कर सकते। तो उस केस में टीडीएस कौन काटेगा? प्रॉब्लम आएगी? टीडीएस कौन काटेगा? अगर 7 महीना वो एक एम्प्लॉयर के यहां रहता है और बाद के 5 महीने वो दूसरे के यहां रहता है, तो वो दूसरे वाले के यहां से टीडीएस कटवाएगा। जब तक यहां था यहां से टैक्स कटवाता था, जब यहां जाएगा तो यहां से टीडीएस। लेकिन अगर वो एक साथ दो एम्प्लॉयर के यहां काम कर रहा है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के यहां, हो सकता है दो कंपनियों में काम कर रहा हो, अब टीडीएस किससे चार्ज करवाएगा? किससे? एक से। अब ढंग से सुनना, बस बस हम यही सोचना चाह रहे, सोच रहे थे, कोई बोले बीच में, पुटो बोल दिया, जिसके यहां ज्यादा सैलरी हो। और कितना जेन्युइन बात है कि गलत बोल रहा है, कोई 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 फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि वो ज्यादा कहां से कमा रहा है, कम कहां से कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सब चीजें दिमाग में बैठाओ, कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, एक्स लिमिटेड ज्यादा दे रहा है, वाई लिमिटेड कम दे रहा है, वाई लिमिटेड ज्यादा दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मर्जी, मैं चाहूं एक्स के पास जाऊं, मैं चाहूं वाई के पास जाऊं, मैं चाहूं एक्स के पास जाऊं डिटेल देने के लिए, चाहे वाई के पास जाऊं, वो मेरी मर्जी। इसके यहां से मुझे साल भर में 10,000 रुपए मिलता है, इसके यहां से 5 लाख मिलता है, दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया टू गो अवे हेयर, नॉट एट ऑल। मेरी मर्जी है, मैं यहां पर जा सकता हूं, मैं ऑप्ट करूंगा मुझे किस एम्प्लॉयर के यहां से टीडीएस कटवाना। इज इट क्लियर? अब कहानी क्या है, कैसे चार्ज होता है टीडीएस, चार्ज करने का सिस्टम क्या है। मैं एम्प्लॉयर हूं और मान लेते हैं तुम एम्प्लॉई हो, क्या चाहते हो तुम लोग? एम्प्लॉयर बनना चाहते हो? तुम लोग एम्प्लॉयर बनना चाहते हो? चलो, एम्प्लॉयर है मिस अंकिता और एम्प्लॉई है मिस्टर, तुमको क्या लगा हम अपने आप को बनाते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप को ही बनाते हैं। दे ले, हम एम्प्लॉई हैं और ये हमारी एम्प्लॉयर मालकिन है। कहाँ है, आई है कि नहीं आई है? अच्छा, सुनना ढंग से। मैं अपने मालिक के पास गया, मैं अपने मालकिन के पास गया, मैंने कहा कि टैक्स डिडक्ट कर दो, मेरी इतनी सैलरी है। मैं उसको बताऊंगा या मेरी मालकिन हमको बताएगी तुम्हारी इतनी सैलरी है? बातें की, वो बताएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। सोचो, हम ज्यादा मत सोचना, अप्रैल 2000 से मार्च 2017 यानी प्रीवियस ईयर 16-17 में मैंने अर्निंग करनी है, यानी ये हमको सैलरी का पेमेंट करेगी,
और इसे मालूम है कि हर महीने हम 20,000 रुपये सैलरी देते हैं, चलो 30,000 की सैलरी देते हैं, कितने की, तो साल भर में कितना मिलेगा, 3,60,000 मिला। हमें एक कन्फ्यूज़न है, बैठी तो है। अच्छा, 3,60,000 हमको कितना मिला, 3,60,000। टीडीएस किस पर कटेगा, क्या इसमें हम परक्विजिट्स का अमाउंट जोड़ें या ना जोड़ें, वो 30,000 कौन सा, कैश बेनिफिट्स या नॉन कैश बेनिफिट्स भी जोड़कर। सर वो टीडीएस वो तो जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग का हिसाब किताब करके, सर गड़बड़ हो गई, डिडक्शन माइनस करके या बिना डिडक्शन माइनस की, किस अमाउंट की आप बात कर रहे हैं। अब आते हैं जो हम लोग टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते थे सैलरी हेड में, आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), 2, 3, हाँ या ना, उसको डिडक्ट कर दो, उसमें से भी माइनस कर दो डिडक्शन, क्या माइनस कर दो, अंडर चैप्टर 6A यानी अंडर सेक्शन 80 जितने भी डिडक्शन थे माइनस कर दो। याद रखना 80G का डिडक्शन बहुत सोच समझ करके दिया जाता है, याद रखना 80G का डिडक्शन बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। कौन सा डिडक्शन, 80G, डोनेशंस, पक्की बात है ना। कहा जाता है कि 80 का डिडक्शन नहीं देना चाहिए एम्प्लॉयर को, टीडीएस का कैलकुलेशन अमाउंट, टीडीएस के लिए अमाउंट का कैलकुलेशन करते समय एम्प्लॉय बताता है एम्प्लॉयर को कि हमने ये लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाया, हमने ये पीपीएफ में पैसा लगाया, हमने ये यहां पैसा लगाया, आप हमें सेक्शन 80 की डिडक्शन दो, सारी डिडक्शन से दे देंगे। 80G के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और उसमें भी कुछ नोटिफाइड डिडक्शंस हैं 80G की जो दे दे देते हैं, दो चार डिडक्शंस हैं स्पेसिफाइड डोनेशंस की, वो दे देते हैं छूट। तो अभी हम लोग को उतना डिटेल में या डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इज इट क्लियर। यानी हम लोगों की टैक्सेबल सैलरी उसमें से डिडक्शन माइनस कर दो, जो बचेगा उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, वो टीडीएस है। सर एक बात बताइए, ये जो एम्प्लॉयर है जब हमें अप्रैल के महीने की सैलरी देगा, किस महीने की सैलरी देगा, जब हमें वो अप्रैल के महीने की सैलरी देगा तो टीडीएस काट करके देगा, जब वो हमें मई के महीने की सैलरी देगा तो क्या वो हमें टीडीएस काट करके देगा, एक मिनट, तो उसने हमें 30,000 का पेमेंट किया मान लेते हैं, तो टीडीएस कैसे काटोगे, 2,50,000 तक माफ है। बोलो भाई, जानते हो एस्टीमेटेड इनकम कैलकुलेट करते हैं, कौन सी इनकम, ये एम्प्लॉयर जानता है मुझे साल भर में उसको कितना देना है अकॉर्डिंग टू टूडेज टर्म्स एंड कंडीशन। मुझे अप्रैल में मालूम है सामने वाले को मुझे 3,60,000 देना है, और वो कहता है हम यहां LIC में पैसा डालेंगे, वो हमें कहता है हम PPF में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो अपनी चीजें हमको डिफाइन करता है, हम उसके हिसाब से उसकी साल भर की इनकम एस्टीमेट करते हैं, क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं, और इस पर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, 2,50,000 तक माफ है, अच्छा बाकी बचा 1,10,000, तो 10% टैक्स होता है 11,000, कितना, 11,000 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, डिवाइडेड बाय 12 करो, 917 रुपये। यानी जब जब अब हमें वो पेमेंट करेगा 30,000 का, 917 रुपये माइनस कर देगा। अब बात समझ में आई, एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स टीडीएस कैलकुलेट करता है, पूरे साल भर का टीडीएस कैलकुलेट करेगा, डिवाइडेड बाई 12 कर लेगा, पूरे साल भर का टीडीएस कैलकुलेट करेगा और डिवाइडेड बाई 12 कर देगा, और जब 30,000 हमको इस महीने का देगा उसमें से 917 माइनस कर देगा।
अब बात समझ में आई? हाँ या ना? मई में जब वो पेमेंट करेगा तो भी ऐसे ही करेगा, पूरे साल भर की कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा? साल भर की कैलकुलेट करेगा। चलो आते हैं थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं। एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सर केवल सैलरी का अमाउंट ऐड करते हैं, मान लीजिए उसकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, पीजी बीपी से भी इनकम है इस एम्प्लॉय की, अदर सोर्सेस से भी है, कैपिटल गेन से भी है, क्या वो ऐड नहीं करेंगे? क्या वो ऐड नहीं करेंगे? क्या वो ऐड नहीं करेंगे? मैंने फिर बोला सैलरी के अलावा उसकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस की, क्या उनको ऐड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर एम्प्लॉई अपनी और डिटेल्स देना चाहे तो, अगर एम्प्लॉई कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब मालिक, मेरे कितने घर हैं, मेरी कितनी इनकम है, पीजीबीपी में कितना है, अदर सोर्सेज में मैं लॉटरी जुआ क्या खेलता हूँ, कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तो मालिक उसका चुप कर जाएगा और ऐसे कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉई कहता है नहीं मेरी ये और भी इनकम्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी की, पीजीबीपी की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज की, उनको भी ऐड करो, तो उसका मालिक मजबूर हो जाएगा इसके कैलकुलेशन में उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए और डिडक्शन माइनस करने के लिए, यानी उसकी अदर सोर्स, अदर हेड्स ऑफ इनकम को भी ऐड किया जा सकता है अगर एम्प्लॉय की इच्छा हो तो। अब मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? हो सकता है एम्प्लॉय कहे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, तो एम्प्लॉयर कहेगा ये ठेंगा लो, लॉस को हम एडजस्ट नहीं करेंगे, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम माइनस कर सकते हैं, बाकी किसी अदर हेड ऑफ इनकम के लॉस को हम माइनस नहीं करेंगे। वो तुम अपना क्लेम करते रहना सरकार से, हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। प्रॉफिट है तो बात करो, हम ऐड करेंगे, लॉस है तो मत बोलो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हम तुम्हारी सैलरी की इनकम से माइनस करने को तैयार हैं। अब बात समझ में आई। अब जरा शुरू से देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने सैलरी में क्या देखा। हम लोगों ने केवल सैलरी में इतना देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करते समय नॉट ऑन द ड्यू बेसिस बट ऑन एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स एज अ TDS। व्हाट आर द रेट्स? रेट्स इन फोर्स मीन्स स्लैब रेट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, एक हो, 50 हो, 100 हो। स्टेटस क्या होना चाहिए पेयर का? कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई लेना देना नहीं। हाँ या ना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? पेयर की, कि वो पेमेंट करते समय TDS को डिडक्ट करे। अच्छा, किस अमाउंट पर? साल भर की इनकम कैलकुलेट कर लेगा, एस्टिमेटेड इनकम। सैलरी को तो लेगा ही लेगा, सेक्शन 80 की डिडक्शन माइनस करेगा ही करेगा। हाँ या ना? उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर उसको TDS चार्ज करना है। वो साल भर का TDS हो गया डिवाइडेड बाई 12 कर लेगा, हर महीने जितना पेमेंट करेगा उतना TDS माइनस करता जाएगा। सर ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन ना देना चाहे अदर हेड्स ऑफ इनकम की, उसकी मर्जी, अगर वो कहता है सैलरी के अलावा हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में मेरी ये इनकम भी है, तो एम्प्लॉयर उसको ऐड करके TDS का कैलकुलेशन करेगा। अगर एम्प्लॉई ना देना चाहे तो ये उसकी मर्जी है। इज इट क्लियर? पक्की बात है? कोई दिक्कत है? मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी। टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हो? कैसे कैलकुलेट करते हो? सैलरी चैप्टर में चले जाओ, उसमें आ जाएगा सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इन कैशमेंट, कमिटेड पेंशन, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन एंड सेक्शन 80CD। मालूम होगा तुम लोग, ये सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करके माइनस कर लो सेक्शन 80, 16(1), 16(2) एंड 16(3) का डिडक्शन। ठीक है ना? हटा दें, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब जरा एक छोटा सा टॉपिक देखा जाए इसमें। देखना इधर, एम्प्लॉयर है,
मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है मिस्टर वाई। अच्छा, मैंने ये बोल दिया है कि लॉस हम केवल कवर करेंगे एक हेड का, हाउस प्रॉपर्टी का, और कोई लॉस कवर नहीं करेंगे। लॉस हम कवर करेंगे केवल एक हेड का, हाउस प्रॉपर्टी का, बाकी कोई लॉस कवर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर ना? अच्छा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी है दैट इज रुपीज 4 लाख, ये डिसाइड किया गया था जानते हो कब? अप्रैल 2016 में। कब किया गया था? अच्छा, तो अब इस पर मालिक ने कहा ठीक है, टैक्स कितना बनता है तुम्हारा, ये साल भर की इनकम है, 480 कर देते हैं, ठीक है, ये साल भर की इनकम है, 2.5 लाख तक कितना बनेगा? 0। बाकी कितना बचा? 230। कितना परसेंटेज आएगा? 10%, यानी टैक्स अमाउंट कितना आ जाएगा? जरा डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हो क्या? तो अब जब जब ये 40,000 का पेमेंट करेगा, 40,000 पर मंथ है, यानी जब जब ये 40,000 का पेमेंट करेगा कितना टैक्स काट लेगा, यानी एक्चुअल में उसको पेमेंट कितना करेगा? 38,084 ये पेमेंट हो जाएगा सैलरी का। तो अब ये बताओ, 1916 रुपए जो चार्ज किया गया है टीडीएस का, क्या इसको कोई अधिकार नहीं है? ये कैसे प्रूफ करेगा कि आई हैव मेड द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी एंड द एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड द अमाउंट ऑफ टैक्स? अरे बोल, ये सर्टिफिकेट देगा एम्प्लॉय को। क्या देगा? सर्टिफिकेट। फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A, दो फॉर्म्स होते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। इज इट क्लियर? आएंगे डिटेल में बात करेंगे, अभी तुम लोग को उतना डीप में जाने की जरूरत। सर्टिफिकेट देता है, ये ले 38,084 रुपए ये, और इसके ऊपर एक लिखेगा सर्टिफिकेट 1916 का, ये ले तेरा हो गया 40,000। अब बात समझ में आई? क्या रखेगा ऊपर से? 1916 रुपए का एक सर्टिफिकेट। बेसिकली ये ईयर वाइज होता है, हम मंथली वाइज बता रहे हैं। ये ले, 40,000 तेरा पूरा हो गया। इंप्लॉय देखेगा ये 38,000 रुपए और ये 1916 रुपए, चला जाएगा। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, एम्प्लॉय कौन फाइल करेगा? एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो सरकार को कहेगा दोबारा टैक्स मत लो, ये 1916 हम हर महीने टैक्स ऑलरेडी जमा करते आए हैं। अगर साल के अंत में एम्प्लॉय की टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 30,000 निकल गई है मान लो, क्योंकि अदर इनकम्स भी जोड़ेगा वो, और उसकी टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आ गई एम्प्लॉय की? 30,000। तो वो कहेगा मालिक अपने सरकार से कि 23,000 का तो टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं हर महीने, ये उसका सर्टिफिकेट हम अटैच कर रहे हैं, बाकी जो बचा 7,000 वो हमसे ले लो। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो उसको डबल अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो उसके मालिक ने टैक्स काटा है उसकी सैलरी से 1916, उसका उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब समझ में आई बात? कैसे होगा ये भी समझ में आया? अच्छा, ये हो गया पहले महीने का। अब दूसरे महीने थोड़ी कंडीशन चेंज हो गई। एम्प्लॉय कहता मालिक इतने से मेरा पेट नहीं भरता, तनख्वाह बढ़ाइए, 50,000 रुपया महीना करिए। तो मालिक ने कहा ठीक है कर देते हैं। कितना? तो अब बताओ इसके ऊपर टैक्स कितना बनना चाहिए? अब बताओ कितना मिलेगा? ना 6 लाख नहीं मिलेगा, पहले महीने का तो 40,000 ही मिलेगा, और 5,50,000 यानी कि 5,90,000 की सैलरी मिलेगी टोटल मिलाकर, एक महीने का 40,000 और बाकी 11 महीने का 5,50,000, 50,000 के हिसाब से। एक महीने का तो तू ले चुका ना, बाकी 11 महीने का तू 50,000 के हिसाब से ले ले। बताओ टैक्स कितने का बनेगा? सर 2.5 लाख पर ना कोई टैक्स नहीं लगेगा। बचा कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख पर सर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, कितना आ जाएगा? 25,000। बचा 90,000, इस पर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा, 18,000। टोटल मिलाकर कितना आ गया? 43,000। हाँ या ना? अब 43,000 का टैक्स डिडक्ट करना था उसको सालाना, पूरे 12 महीने में डिडक्ट कितना करना था? 43,000। अच्छा, ऑलरेडी कितना कर चुका है? 1916 माइनस करके बताओ कितना और डिडक्ट करना है? 41,084। और कितने महीनों में करना है? 11 महीनों में, क्योंकि अब 11 महीने बचे। ओ, यानी एडजस्टमेंट हो गया अपने आप,
एडजस्टमेंट हो गया, अब 11 महीने में टैक्स काट लो, उसका पूरा अमाउंट सिस्टम सेट हो गया। तो क्या सर ये बार बार चेंज होता रहता है या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हर महीने चेंज हो सकता है। सामने वाला अगले महीने आकर कह सकता है मालिक हमने अपनी घर बेचना है, इतना प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरे महीने आ सकता है मालिक घर बेचने का प्लान कैंसिल, नहीं कमाएंगे। तो बेसिकली इतना होता नहीं टिटिम्मा, लेकिन मान लेते हैं प्रैक्टिकली देखो तो ऐसे, मतलब करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं। घर बेच ले तू अपना, फिर आकर बताना, तू बीमार मत कर हमको। अभी शाम को आओगे कहोगे 10 रुपये एक और टिप पाए थे, कमाए थे, अब कहाँ तक हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। अब बात समझ में आई? तो एक सिस्टम दूसरा होता है। कई जगहों पर तुमने देखा होगा कि 10 महीने की सैलरी पूरी दी जाती है, लास्ट के 2 महीने की सैलरी 3 महीने की सैलरी काट ली जाती है TDS के नाम पे। एम्प्लॉयर कहता है हम क्यों टिटिम्मा इतना पाले, लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो दूसरा है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका ही है। इज इट क्लियर? आपके पास बुक है, एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए, सेक्शन 192 पूरी तरह से। मैं उसके बाद एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा उसका। हाँ बोलो बाबू, क्या पूछ रहा? 11 से 12 से 11 से 43,000 कितने साल का था? इधर देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही तो होगा। इसका तुम्हारा 1916 जा चुका है। मई में पता चला तुम्हें साल भर का कितना देना था, उसमें से कितना दे चुके हो, अब कितना और देना है, कितने महीनों में, बस हाथ हो गया। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट द स्लेव रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। हाँ या ना? फॉर द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, कोई दिक्कत? देयर इज नो डिस्टिंक्शन वेदर द एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल एचयू फर्म और अ कॉर्पोरेट एंटिटी। अच्छी बात है। इट डजेंट मैटर एज टू वेदर द इंडिविजुअल एम्प्लॉयर इज कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और क्लेमिंग सच सैलरी एज अ डिडक्शन और नॉट। बता दिया। अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंगेज बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर। अच्छा, टैक्स शेल नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द टैक्स ऑन सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इज निल। यानी अगर 2.5 लाख रुपए से कम है सैलरी तो काहे का TDS? अच्छा, कौन सा 2.5 लाख? आफ्टर डिडक्शन टैक्सेबल अमाउंट। अकॉर्डिंग एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल टू ऑल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, द एम्प्लॉयर शेल अलाउ such claims by the employee and compute the estimated taxable salary for the entire year. Underline कर लेना, estimated taxable salary for the entire year. Underline कर लेना।
इट मे बी नोटेड दैट दो सेक्शन 192 प्रोवाइड्स फॉर अलाउंसेज अंडर चैप्टर 6A यानी 80, द एनुअल सर्कुलर टीडीएस रेस्ट्रिक्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़कर 80G को नहीं देना, नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए. अच्छा, टैक्स डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज वॉरंटेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी. नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी, अंडरलाइन कर लेना. अगर हाँ बोलो बोलो, 80G का डिडक्शन हर किसी को नहीं दे सकते. आप कहते हो कि हमने ये डोनेशन दिया फलाना ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयर मान लेगा, भगवान जाने वैलिडिटी क्या है. तो एम्प्लॉयर को मना किया गया है उस पर रिलाय करने से, इसका एक सर्कुलर है. तो जो बाढ़ आपदा है, फ्लड रिलीफ कैंप होते हैं, ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू है, कुछ को अलाउ किया गया है, कुछ को 3 या 4 को अलाउ किया गया है, उसकी डिडक्शन आप 80G की ले सकते हैं, सबकी नहीं ले सकते. TDS के लिए, TDS के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ केवल TDS के लिए बात कर रहा हूँ, सारे चैप्टर में मत उसको शामिल कर लेना. सेक्शन 10 एग्जेम्पशन होता है, सेक्शन 10 एग्जेम्पशन होता है, सेक्शन 10 एग्जेम्पशन होता है. वेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एन एम्प्लॉय इज वर्किंग विद मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो किसी एक को चुन लो. अगर एक के यहाँ छोड़कर दूसरे के यहाँ ज्वाइन किया है तो दूसरे को चुन लो. बोलो. अच्छा, द एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू कंसिडर द इंफॉर्मेशन. मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू कंसिडर दोज इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्यूटिंग हिज इनकम. इज इट क्लियर? वेयर द SSC इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी और फलाना एंड डिमाका, और उसको सेक्शन 89 में एरियर ऑफ सैलरी मिलती है. क्या मिलती है? तो 89 में उसको रिलीफ मिलता है एरियर ऑफ सैलरी का, 10 साल का सैलरी आपको एक ही बार में दे दिया जाए. अगर यही पार्ट 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 में सैलरी दी जाती एरियर, कई सालों में अगर उस साल की सैलरी हमें समय पर मिल गई होती तो शायद इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगता. 10 साल की सैलरी एरियर उठा करके हमको हर साल की सरकार के साथ लड़ाई हुई, 10 साल बाद सरकार कही ठीक है ठीक है, पिछले 10 साल का 5,000 रुपए पर मंथ हम अभी देते हैं, तो हर साल का 60,000, 10 साल का 6 लाख. अचानक 6 लाख मिलेगा तो हायर स्लैब में चला जाएगा. इस साल का तो जुड़ेगा जुड़ेगा, 6 लाख वो भी जुड़ जाएगा, तो हायर स्लैब में चला जाएगा, नहीं जाएगा तो हायर इनकम पर टैक्स लगाने से अच्छा गवर्नमेंट ने कहा अगर तुमको ये धीरे धीरे हर साल मिला होता तो शायद इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगा होता, तुम्हें रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है और 10E फॉर्म भरना पड़ता है. इज इट क्लियर? फॉर्म वगैरह नंबर तुम लोग के लिए उतने रेलिवेंट नहीं है. अच्छा, एन एम्प्लॉई में फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ अदर इनकम ड्राइड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द TDS. ठीक है, अदर हेड ऑफ इनकम दे सकता है. लॉसेस की अगर बात करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ही लॉस एडजस्ट किया जाएगा, बाकी कोई भी लॉस एडजस्ट. कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा एम्प्लॉयर जिससे किसी हेड ऑफ इनकम की इनकम को एड करो तो टैक्स लाइबिलिटी कम हो, यह याद रखना. किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम की इनकम को एड करो तो टैक्स लाइबिलिटी कम हो, ऐसा कोई भी एडिशन नहीं होगा. अब बात समझ में आई? यानी लॉसेस को तो करेगा ही नहीं एडजस्ट, बल्कि किसी ऐसी इनकम को भी एडजस्ट नहीं करेगा जिससे हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए. अच्छा, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉय टू फर्निश टू द एम्प्लॉई ए स्टेटमेंट गिविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ परक्विजिट. ठीक है, छोड़ दो 1.5 लाख वाला, छोड़ दो इस चीज को. द एम्प्लॉयर कैन एडजस्ट द अमाउंट, जो मैंने एडजस्ट करने का ये सिस्टम बताया ना, ये लास्ट पॉइंट लिखा है. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? सेक्शन 192 में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम बात करेंगे सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. सेक्शन 193 अगेन द इंपॉर्टेंट सेक्शन. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पेमेंट करता है, कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पेमेंट करता है, मैंने आपसे लोन ले रखा है डिबेंचर का, बॉन्ड का, अगर मैं आपको उन सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूँ तो आपकी तो इनकम है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है. जब मैं पेयर पेई को पेमेंट करेगा तो उसमें से डिडक्ट कर देगा TDS. कब करेगा?
कब करेगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और टू डू द एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी उसके अकाउंट में क्रेडिट करना। अभी मैंने दिया नहीं आपके अकाउंट में, मैं क्रेडिट कर रहा हूं। अरे क्रेडिट कर दिया ना, टीडीएस कट जाएगा, भले ही आपको दिया गया हो या ना दिया गया। सैलरी के केस में ऐसा नहीं था, पेमेंट के समय था, सैलरी के केस में पेमेंट के समय था, और बाकी के केसेस में ड्यू और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब बात समझ में आई। एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट टू अ रेजिडेंट ऑन सिक्योरिटी, रेजिडेंट एसएससी होना चाहिए, इसका मतलब नॉन रेजिडेंट के अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा, उसके लिए सेक्शन 193 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मत सोचना कि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन ओवर द पेयर टू नॉट टू डिडक्ट द टीडीएस। दे आर नीडेड टू डिडक्ट द टीडीएस बट द प्रोविजंस आर क्वाइट डिफरेंट। अच्छा, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज ईदर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, सुन लो, क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, किसी भी तरह से करो, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, झुट्टो सरकार को बहाना बनाने के लिए, गोलमाल घुमाने के लिए मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर दिया तुम्हारे, कुछ भी करो टैक्स टीडीएस लग जाएगा। बुक एडजस्टमेंट कर दिया, एंट्री में एडजस्टमेंट कर दिया, मुझे तुमको देना है तो तुमसे मुझे लेना भी है, चलो आपस में निपटारा कर लेते हैं, किसी भी तरह से एडजस्ट करोगे, आपके अकाउंट में जैसे ही क्रेडिट करेगा तुरंत वो एडजस्टमेंट मान लिया जाएगा कि ड्यू हो गया। इज इट क्लियर, पक्की बात है, चाहे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करे, चाहे बुक एडजस्टमेंट के थ्रू करे, चाहे आपके अकाउंट में क्रेडिट करे या पेमेंट करो, जो सबसे पहले हो। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, कई बार होता क्या है, LIC, GIC या कोई और इंश्योरर जो किसी सिक्योरिटी को ओन्ड करता है तो जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। पेयर किसको पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, LIC को। पेयर किसको पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, GIC को। पेयर किसको पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, अदर इंश्योरर को, जो बेनिफिशियली ओन्ड करते हैं। मैं पेयर वो पेई, इधर देखो, मैं पेयर वो पेई, वो कौन LIC, GIC और अदर इंश्योरर। तो उनको पेमेंट करते समय, यानी कि भले ही LIC, GIC और अदर इंश्योरर की वो इनकम है, उस पर TDS नहीं काटेंगे। हाँ, नहीं समझ में आई बात, मैं पेयर तुम पे, मैं पेयर तुम पे, लेकिन तुम लोग LIC, GIC और अदर इंश्योरर हो, तो मैं जब तुम लोगों को पेमेंट करूंगा तो TDS काट करके पेमेंट करूंगा, और जब तुम लोगों को पेमेंट करूंगा तो बिना TDS काटे पेमेंट करूंगा। अब समझ में आई बात। अच्छा, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज शैल नॉट बी डिडक्टेड एट ऑल, TDS नहीं कटेगा इन चीजों पर। मैं पेयर हूं, किसी को भी पेमेंट करूं, चाहे तुम लोगों को किसी को भी पेमेंट करूं, TDS इन सिक्योरिटीज पे नहीं कटेगा। 4% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक है, नेशनल डिफेंस लोन, ठीक है, 7 years नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एनी डिवेंचर इश्यूड बाई एनी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर लेना, नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे लोगों पर नहीं, केवल वही सिक्योरिटीज जिनको गवर्नमेंट ने इस काम के लिए नोटिफाई किया है कि दीज आर द सिक्योरिटीज अगेंस्ट विच इफ एनी पेयर इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नो TDS इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? Those notified securities, any securities of the central government, 8% taxable bond, falana and dimaka, ठीक। अब बात समझ में आई। कुल मिलाकर अभी तक interest on securities में हम लोग को यही समझ में आया कि अगर कोई payer है, interest on securities का payment करता है, payee को जो LIC, GIC और insurer नहीं है, तो TDS काटेगा। अगर कोई payer payment करता है payee को जो LIC, GIC और other insurer है, तो उनको TDS काटने की जरूरत नहीं, बिना TDS काटे। या कोई पेयर पेमेंट करे पेई को, सबको, भले वो 4% नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, नेशनल डिफेंस लोन है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड सिक्योरिटीज है, उन पर TDS नहीं कटेगा। इज इट क्लियर? पक्का याद रहेगा।
अगर कोई डिबेंचर का पेमेंट है, मैंने आप लोगों से डिबेंचर के अगेंस्ट पैसा लिया हुआ था, अब आप लोगों को मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है डिबेंचर पे। किसका पेमेंट करना है? डिबेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो पेयर इज अ कंपनी, बट ऑब्वियस है मैंने डिबेंचर में पे पैसा लिया है तो मैं कंपनी हूंगा, इंडिविजुअल थोड़ी हूंगा। कंपनी पेयर इज अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वाइडली हेल्ड कंपनी, पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पब्लिक कंपनी है एक तरह से। क्या है? पब्लिक जिसका इंटरेस्ट है जिसमें। पेई इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये पूरा सेक्शन ही हम रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट HUF ना हो, रेजिडेंट कंपनी ना हो। मैं पेयर, तुम लोग पेई, मैं कंपनी तुम इंडिविजुअल, मैं कंपनी तुम कंपनी, मैं कंपनी तुम HUF, मैं कंपनी तुम AOPBY, उनकी बात नहीं कर रहे, मैं कंपनी तुम इंडिविजुअल, और मैं कंपनी तुम इंडिविजुअल, और मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट कर रहा हूं अकाउंट पे ही चेक से, और 5,000 से अधिक का इंटरेस्ट नहीं है तो TDS नहीं कटेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं कंपनी तुम रेसिडेंट इंडिविजुअल, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट किया है जिसका अमाउंट 5,000 रुपए तक है और अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया है तो TDS नहीं कटेगा। अरे बोल, अच्छा अगर TDS कटेगा तो क्या रेट रहेगा? 10%। याद रखना आने वाले काफी जगहों पर अब 10% चलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर, रेंट को छोड़कर, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर, रेंट को छोड़कर, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर, रेंट को छोड़कर, हर केस में लगभग लगभग 10% चलता रहेगा। अगर आपने अपना पैन नंबर हमको फर्निश नहीं किया है तो 20% का TDS कटेगा। कितना कटेगा? नॉर्मल रेट ऑफ TDS है 10%। इफ यू हैव फर्निश योर पैन नंबर टू मी देन आई विल डिडक्ट द TDS एज एट द रेट ऑफ 10%, इफ यू नॉट देन इन दैट केस 20%। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नहीं है। हाँ जी, दिमाग में फिर बात बोल बैठा लो, फिर तुम गलत बोल रहे हो। अगर तुम्हारा डाउट है तो फिर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं कंपनी और तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल, 5,000 तक नो TDS इफ मेड पेमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक। अगर तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल और 5,000 के ऊपर है इंटरेस्ट तो TDS 10%, पैन नंबर नहीं है तो 20%। मैं कंपनी तुम भी कंपनी, 1 रुपया भी इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा तो TDS काट करके पेमेंट करूंगा। अब बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं बोलोगे? कट्टी दो सेक्शन अभी तक हम लोगों ने देखा, सेक्शन 192 और सेक्शन 193, सेक्शन 192 एंड सेक्शन 193। अगर ये दो सेक्शन क्लियर हैं तो आने वाले सेक्शंस पे हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बेस था और मेहनत इन्हीं दोनों में करनी पड़ती है। आगे तो बेस आपका क्लियर है, अब समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही? क्या हवा आ रही है या बात समझ में आ रही है? कई लोग कहते हैं हवा नहीं लग रही। सेक्शन 193, अब आते हैं सेक्शन 194। इस बच्ची ने फिर टोका बीच में, इसने कहा सर बीच में लिखा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। बोल देते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता क्या है कि हम आपने हमें हम आपको मैच्योरिटी पर पैसा देंगे, 100 रुपए का फेस वैल्यू था, हमने इतना डीप में जा करके डिस्काउंट दे दिया, यानी आपको इश्यू कितने पर किया? एक डिस्काउंट होता है 100 का चीज 90 में, वो नॉर्मल डिस्काउंट है। इतना डीप में जाकर डिस्काउंट दिया, पूछो मत। अब बात समझ में आई? इसको कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। और आपको पेमेंट कितना होगा मालूम है? मैच्योरिटी डेट पर 100 रुपए, कितना या उससे ज्यादा। अगर 100 रुपए पर पेमेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इंटरेस्ट पोर्शन है, ये आपका कई सालों का इंटरेस्ट पोर्शन है। अब आपकी मर्जी, एक्रूअल बेसिस पर इंटरेस्ट का आप पेमेंट करना चाहते हो इनकम की तरह या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टाइम बेसिस पर अपनी इनकम दिखाई, अब 80 रुपए आपको इंटरेस्ट है, 10 साल का है, हर साल आठ 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 आपने इनकम दिखाया, मान लेते हैं उसका सर्कुलर है पूरा बकायदा, एक
कैलकुलेशन का सिस्टम है। मान लेते हैं आपने हर साल कितना इंटरेस्ट दिखाया, 8, 8, 8, 8, टैक्स नहीं लगेगा। कब लगेगा? मैच्योरिटी के समय। आप कुछ भी कर लो। अब बात समझ नहीं आई, पक्की बात है? चले हाँ जी, फिर वही बात, 10% 20% बताया, तो मिक्स मत करो चीजों को, घुमाओ मत। एक बार जो काम खत्म उसको खत्म, उसको फिर दूसरी जगह मिलाओ मत, मिक्स मत करो। सेक्शन 194 डिविडेंड, और जब डिविडेंड की बात आती है, सेक्शन 194 डिविडेंड, और जब डिविडेंड की बात आती है, तो तुम लोग को याद आते होंगे कुछ पुराने सेक्शंस जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। डिविडेंड तीन तरीके से होता है, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक होता है एंट्रिम डिविडेंड, एक होता है डीम्ड डिविडेंड। और डीम्ड डिविडेंड पर हम लोग की पूरी एक क्लास चली थी, इसमें 222A, B, C, D और E, ये पांच सेक्शंस चले थे, याद होगा? हाँ या ना? प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने बोला था कि टैक्स लग जाता है ड्यू बेसिस पर। एंट्रीम डिविडेंड के बारे में बोला था टैक्स लग जाता है रिसीट बेसिस पर। और डीम्ड डिविडेंड के बारे में बोला था, चार को अलग किया था और पांचवें को अलग किया था। इसके लिए मैंने कहा था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लग जाता है या DDT लग जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एज एंड व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे ही कंपनी डिक्लेयर करती है, कंपनी को CDT का पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी को CDT का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि सुन लेना मेरी बात ढंग से, अब सुनना कहानी। मैं कंपनी हूं, मुझे 1,00,000 रुपए तुम लोगों को डिविडेंड देना है। कितना रुपया? 1,00,000 रुपए। जैसे ही मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा यानी प्रपोज्ड, पे करूंगा यानी इंटरिम, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यानी डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 115 O बोलता है। देन एट दैट टाइम द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एज CDT, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। अब 1,00,000 रुपए में मैंने 10,000 मान लो काट लिया, दो मिनट के लिए, अब ऐसा होता नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए, 1,00,000 में से मैंने 10,000 काट लिया और किनारे रख दिया कि टैक्स देना है, तुम लोग को 90,000 बांट दिया। बताओ टैक्स तुम लोगों ने दे दिया या नहीं? हाँ दे दिया। क्या आप तुम लोग के ऊपर फिर टैक्स लगना चाहिए ना? रिसिपियंट के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है, रिसिपियंट के हाथ में डिविडेंड क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपियंट। अगर आपको डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी से तो माफ होगा, क्योंकि उस पर कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, पेमेंट कर, नॉट TDS, टैक्स। TDS नहीं काटा है कंपनी ने, टैक्स काटा है, दोनों में फर्क है। तो कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे करके आपको अमाउंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और सेम अमाउंट ऑफ इनकम पर डबल टैक्सेशन कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट ने कहा इंडिविजुअल, तुम लोग जो रिसिपियंट होगे उनके हाथ में वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपके हाथ में माफ हो गया कौन कौन सा? प्रपोज डिविडेंड। आपके हाथ में माफ हो गया कौन सा? इंटरिम डिविडेंड। आपके हाथ में माफ हुआ है ये चारों, कौन सा माफ नहीं हुआ? 222E, क्योंकि इस पर टैक्स हमेशा रिसिपियंट ही देता है। तो ये जो सेक्शन 194 हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम ना इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये सेक्शन आज की डेट में एप्लीकेबल है तो केवल इसके लिए है। अगर ये कंपनी के ऊपर CDT का प्रोविजन नहीं लग रहा होता तो शायद इन सबके ऊपर ये सेक्शन 194 अप्लाई हुआ होता। इज इट क्लियर? पक्की बात है? लेकिन अब चूंकि CDT का प्रोविजन है, माफ और ये माफ, केवल 222E पर माफी नहीं है, रिसिपियंट को टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ TDS का प्रोविजन आ जाएगा। केवल अब जो हम लोग सेक्शन 194 पढ़ रहे हैं वो 222E के लिए पढ़ रहे हैं। टैक्स रेट रहेगा, तुम लोग को मैंने पहले ही बताया, 10%, और पैन ना देने पर 20%। लेकिन वहां पर अभी तुम लोगों ने इंटरेस्ट में पढ़ा था, 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट, और कंपनी अगर किसी इंडिविजुअल को देती है क्या अकाउंट पे ही चेक से, तो यहाँ 2,500 तक अगर डिविडेंड देती है तो माफ है। सेम वही चीज़ है, 5,000 की जगह क्या हो गया, 2,500 का अकाउंट पे ही चेक देती है कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर, तो माफ है। अच्छा वापस आते हैं ऊपर से, देखो, एनी डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस टू एनी रेजिडेंट शेयर होल्डर है शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट, द प्रिंसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल।
एनी फॉरेन कंपनी विच हैज मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया इज ऑल्सो लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. कोई फॉरेन कंपनी है जिसने इंडिया में प्रॉपरली अरेंजमेंट और पेमेंट करने की व्यवस्था बना रखी है डिविडेंड की, उनको भी TDS काटना पड़ेगा. यानी डिविडेंड अगर कोई देता है तो दे आर नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स. सर के ऊपर से जा रहा है. रेट ऑफ TDS 10%, 20%, नो TDS अगर आप GIC और LIC और इंश्योरर को पेमेंट करते हैं सेम उसी तरह से. और 115O की बात मैंने आपको बता दी, दैट्स इट. कुल मिलाकर डिविडेंड में हमको ये समझ में आया कि रिसिपियंट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, किसके हाथ में? अब चूंकि पेयर पेमेंट कर देता है तो रिसिपियंट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 222 एग्जेम्प्ट चूंकि नहीं होता, यानी 222E के अगेंस्ट अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आपको पेई को. तो जब हम कंपनी आपको 222E का कोई पेमेंट देंगे तो हम TDS काट करके देंगे. बाकी में टैक्स काट करके पेमेंट दिया था, TDS नहीं काटा था, टैक्स काटा था, और आपके हाथ में माफ थी इनकम. अब 222E का जब पेमेंट करेंगे तो TDS काट करके पेमेंट करेंगे, बाकी आप बेनिफिट ले लेना गवर्नमेंट से, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे. बात समझ में आई दोनों में? हम आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहे. अब टैक्स पेमेंट कर दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल. अब क्लेम मत करना, ना तो तुम अपनी इनकम में जोड़ोगे उस डिविडेंड को, ना तो कहीं क्लेम करोगे उसके टैक्स का. TDS हमने आपको टैक्स काट करके पैसा दिया, और जो टैक्स काटा उसका एक सर्टिफिकेट रख दिया. अब तुम क्लेम कर सकते हो अपना, अगर वापस चाहते हो तो, अगर तुम्हें लगता है तो. अब समझ में आई बात? सेक्शन 115O बताता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और जब डिक्लेरेशन की बात आती है तो डिक्लेरेशन बेसिस पर टैक्सेबल होता है प्रपोज डिविडेंड. कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, पेमेंट बेसिस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है इंटरिम डिविडेंड की. कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है डीम्ड डिविडेंड की. इज इट क्लियर? तो कंपनी को CDT चार्ज करना पड़ेगा एक्सेप्ट 222E. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, सॉरी TDS वर्ड मैंने शायद अभी यूज किया, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा. क्लियर है? पक्की बात है? अब तक हम लोगों ने सेक्शन 192 देखा, 193 देखा, 194 देखा, 194A भी देख लो. अब तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देखा, अब इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देख लो. सेम प्रोविजन है लगभग लगभग, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. अब हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात नहीं कर रहे. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का मतलब होता है डिवेंचर, बॉन्ड्स, उस पर इंटरेस्ट देना. इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का मतलब होता है मैंने तुम्हें एडवांस दिया था, तुम मेरे डेटर्स हो, तुमने मुझे देर से पैसा दिया, मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वहां से इंटरेस्ट आया है. ये इंटरेस्ट है जो मुझे कई जगहों से मिलता है. गवर्नमेंट से कंपनसेशन के तौर पर इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं इंटरेस्ट का, ये सारे इंटरेस्ट होते हैं. हाँ या ना? उन इंटरेस्ट का क्या करेंगे? दीज आर नॉट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. बोलो भाई, दीज आर नॉट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दीज आर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं है, ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में सेक्शन 194A बोले, पेयर अदर देन इंडिविजुअल छोड़ दो, कोई भी पेयर होगा जब पेमेंट करेगा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का तो TDS डिडक्ट करेगा. सर सर रेट ऑफ टैक्स कितना है? रेट ऑफ टैक्स वही होगा 10%. कितना होगा? 10%. जरा पेज देखो 193 में, TDS रेट है 10%. अगर पैन फर्निश नहीं किया तो 20%. ठीक है ना? पक्की बात है? अब इसमें कहानियां सुनना, ढंग से मजा आने वाला है. अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मोटर एक्सीडेंट व्हीकल के हिसाब से, मोटर एक्सीडेंट व्हीकल के हिसाब से होता क्या है कि आपने आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जाहिर सी बात है आपको कंपनसेशन मिलेगा, देर हुई मिलने में तो इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है. हाँ या ना? इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल,
टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड अप्लाइज ओनली इन केस वेयर द अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ ₹50,000. क्या जब इंटरेस्ट का अमाउंट ₹50,000 से अधिक होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000, अमाउंट नहीं कंपनसेशन की बात नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 50,000 से अधिक होगा तभी टीडीएस एप्लीकेबल होगा. मैंने फिर बोला अगर आपको कोई मोटर एक्सीडेंट क्लेम मिलता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम मिलता है आपको और उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से अधिक है तो देने वाले को तब टीडीएस काटना है, उसके पहले नहीं काटना है. एक तो तुम्हारा नुकसान हुआ, ऊपर से हम टीडीएस काट रहे हैं. अब बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा. नो टीडीएस इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर डजंट एक्सीड 5,000. कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 रुपए से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा. उधर भी देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में 5,000 की लिमिट थी, लेकिन एक कंपनी रेसिडेंट इंडिविजुअल को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, और अकाउंट पे ही चेक से कर रही है, 5,000 से अधिक नहीं है तो टीडीएस नहीं था. 193 में 194A भी यही बोलता है कि अगर मैं कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूं जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं है लेकिन 5,000 रुपए तक का है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा. सेम है, पक्की बात है. हाउएवर द लिमिट इज ₹10,000. 5,000 को 10,000 कर देना इन केसेस में, बैंकिंग कंपनी के केस में. भाई बैंकिंग कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, बैंकिंग कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है आपके खाते में, तो 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा. 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा. मैंने तीन अमाउंट बताया, मोटर एक्सीडेंट के केस में 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा, नॉर्मल केस में 5,000 तक नहीं लगेगा, और बैंकिंग कंपनी के केस में 10,000 लगेगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करती है, पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग अकाउंट खोलता है, तो उसके में भी 10,000, यानी बैंकिंग अकाउंट में आपका 10,000 रुपए तक का माफ है, टीडीएस नहीं लगेगा. हाँ 5,000, बाकी सब 5,000 में कवर हो जाएंगे. बोलो कोई दिक्कत? एक पार्टनरशिप फर्म है, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, नहीं देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पर भी ये सेक्शन लगा दोगे? अरे पेमेंट तो कभी होता ही नहीं, उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है. अगर हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना हो तो वी जस्ट मेक एन वी आर जस्ट गोइंग टू पास अ बुक एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया काम खत्म. हाँ है ना? अब पेमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि बुक एडजस्टमेंट हुआ है, जो हुआ है उस पर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, उस पर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. अब चाहे वो 5,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 194A. वो 194A में नहीं आएगा, पॉइंट नंबर 4 मैंने दिया हुआ है बुक में, पॉइंट नंबर 4 है. मैं बैंक से मैंने लोन लिया है, मैंने बैंक से लोन लिया है, ढंग से सुनना, मजा आने वाला है, मजा इज अबाउट टू कम. मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक ने कहा इंटरेस्ट लाओ, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा 5,000 से ऊपर है टीडीएस काटूंगा. अरे देखो बैंक को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस काटोगे. सरकार ने कहा तुमने इनकम टैक्स भरने में देरी की, जाओ तेरे ऊपर मैंने 20,000 का इंटरेस्ट लगा दिया. मैंने गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा ये लो इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, इस पे से मैंने टीडीएस काट लिया. अरे भैया कौन से आदमी हो तुम, तो उनको हटाओ पहले. नहीं, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, तो वो चीज़ें हटा दो. म्याऊं वाली क्या है? अगर मैं बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, नहीं टीडीएस लगेगा, नहीं लगेगा. अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, तो टीडीएस नहीं कटेगा. अगर मैं LIC और GIC को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, UTI को पेमेंट कर रहा हूँ इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट TDS नहीं लगेगा. हाँ या ना? अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करती है तो उसको अगर हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो TDS नहीं लगेगा. बोल लो. अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है पार्टनरशिप फर्म की तरह, तो उस पर भी TDS नहीं लगेगा. बस मेन यही था. दो 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 लास्ट के देख लेना. इंटरेस्ट पेड और पेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, हाँ या ना, और शेड्यूल्ड बैंक इन रिलेशन टू अ जीरो कूपन बॉन्ड
तो जीरो कूपन बॉन्ड पर भी इंटरेस्ट का टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पेड बाय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, तुम लोग नहीं जानते हो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या होता है, ये बिजनेस ट्रस्ट के तहत आता है, दो तरह से आते हैं, वो तुम लोग को अभी स्टडी नहीं करनी। तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के तहत अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो उस पर भी टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। अब समझ में आई बात, दैट इज़ ओवर। हम लोगों ने केवल इतना जाना, देखो ना कितना बड़ा टॉपिक था, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इतना जाना। 5,000 तक नॉर्मली माफ़ है, 10,000 तक बैंकिंग कंपनी के केस में अगर हम लोगों ने अकाउंट ओपन कर रखा है, चाहे पोस्ट ऑफिस में खोल रखा है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करती है, तो वहाँ पर भी 10,000 तक हमारा कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंटल के केस में 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट है तो वो माफ़ है उसके ऊपर, माफ़ का मतलब उस पर टीडीएस 50,000 तक नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? उसके ऊपर वाले पर लगेगा। बोलने दो। अगर हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, कितना भी इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी हो जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू की है, उस पर नहीं लगेगा। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के केस में नहीं लगेगा। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को देती है इंटरेस्ट का, तो वहाँ पर यह सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। LIC और GIC को अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर यह सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। रेट ऑफ TDS 10% रहेगा, पैन न सबमिट करने पर 20% हो जाएगा, बात खत्म। आते हैं दो सिंपल, सेक्शन 192 सैलरी बताया था, सेक्शन 193 हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को बताया था, सेक्शन 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 5 मिनट का समय देते हैं, एक बार गो थ्रू हो लो पूरा का पूरा। हम लोग बात करेंगे सेक्शन 194B की। किसकी? 194B। लॉटरी बात नहीं है बिल्कुल, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स की बात करेंगे, लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स की बात करेंगे। अगर आप लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल से या इस तरह के सॉर्ट ऑफ गेम से कोई अमाउंट जीतते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन अपने जो पार्टिसिपेंट थे उनको ये रहा आपका 30 लाख का चेक, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उस पर 30% TDS कट जाएगा बेटा। TDS तो उसी समय ले लिया, दिखता था चेक मिल रहा है, बट एक्चुअली दैट अमाउंट इज नॉट टू बी गिवन टू द पर्सन, वो बाद में चेक वापस जा रहे हो, इधर आओ, ऐसे कैसे 30 लाख का चेक इधर दो, वो तो कार्यक्रम चल रहा था, अमिताभ बच्चन क्या बोलेंगे, वो तो प्रोग्राम चल रहा था, तो दिखाने के लिए साइन करवाया था, ये फाड़ देगा दूसरा चेक देगा, 30% काट करके देगा। अब बात समझ में आई? 30% चलें आगे, बोलने दो बाबू, कहानियां ना बनाओ। 30% TDS काट करके दिया जाएगा। मैंने लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स एंड सच टाइप ऑफ गेम्स, मैंने ये वर्ड बोला, यानी जो लक बाई चांस पर डिपेंड होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर 10,000 तक आपको लॉटरी का इनाम मिल रहा है या क्रॉसवर्ड पजल से, तो उस पर TDS नहीं कटेगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट एक्सीडिंग 10,000 इज सब्जेक्ट टू टैक्स। TDS ऑफ पेमेंट मेड बाई एनी पर्सन मीन्स पेयर जो पेमेंट करेगा वो आपको TDS काट करके देगा। अगर लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स का अमाउंट 10,000 रुपये तक है तो कोई TDS नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो ही TDS कटेगा। इन अ केस वेयर द विनिंग आर होली इन काइंड, होता क्या, सुन लो, कभी कभी आप लोग मोटरसाइकिल जीत जाते हैं, कार जीत जाते हैं, तो मोटरसाइकिल लेने गए तो मोटरसाइकिल दिया, अब TDS काटना था तो पहिया निकाल लिया, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे कहेगा कि आपने मोटरसाइकिल जीती है 50,000 की, तो इसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो दिमाग से निकाल देना इसका 30% देना पड़ेगा, क्योंकि आप 35,000 नहीं ले जाओगे। कैश होता तो शायद 30% काट कर आपको 15,000 काट कर 35,000 दे देता,
लेकिन अब आप घर कितना ले जा रहे हो, तो डिवाइडेड बाय 70%, क्योंकि जो आपको अमाउंट ऑफ गिफ्ट मिला है वो तो नेट मिला है ना, मोटरसाइकिल पूरी मिल रही है, तो आप हमें पहले 30% दो, क्योंकि हम तो 70 दे रहे हैं आपको, पहले 30% दो, यानी आपको 50,000 की मोटरसाइकिल पाने के लिए 17-18-20,000 रुपए का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा पहले, तो कैश जाएगा घर से, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि फ्री में मिल रही है ना, पहले टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कार निकल गई 10 लाख की, तो 3-4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद कार घर लेकर के आओ। बात समझे, क्लियर है? बच्चे ने कहा सर 30% और 3% अलग से शामिल है या नहीं, किसने पूछा? इसने, ऐड करना पड़ता है, तो 30.9%, इज इट क्लियर? बढ़ गया अमाउंट, 30+3% ऑफ 30%, इज इट क्लियर? एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का अमाउंट 30.9% हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैंने आपको 1 लाख की कार दे दी, लखटकिया कार दे दी, तो 69.1% ये है, तो 100% कितना होगा, ये आपका टोटल विनिंग प्राइस मिल जाएगा अगर काइंड में है तो। अब बात समझ में आई? क्लियर है? ग्रॉसअप करेंगे, कितना आया? 700। इसका 30% निकाल लो और इसका 70% यही आ जाएगा, 1 लाख 44,717 आ जाएगा शायद, 30.9%, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना, आ जाएगा नहीं आएगा, कितना आ रहा है, पक्की बात है? तो 44,700, बात क्यों कर रहे हो भाई, 44,717 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स, उसके बाद आप 1 लाख रुपए की कार घर ले जाओ, यानी टोटल विनिंग प्राइस हो गई आपकी 1,44,717। चले आगे, TDS का रेट 30% है। 194 BB 194 BB 194 A, नहीं अलग अलग मैंने बोला है, एक साथ नहीं बोला है, 194 BB, सुन लो, B जो था आपका लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स पर था, सुन, तो ये आपका हॉर्स रेस की विनिंग है, हॉर्स रेस से अगर आप जीतते हो तो भी आपको 30% का TDS देना पड़ेगा। और देखो तो असेसमेंट ईयर 16-17 में 5,000 रुपए तक विनिंग पर कोई TDS नहीं था, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 17-18 से 10,000 रुपए कर दिया गया लॉटरी के बराबर वाला हिसाब किताब, यानी लॉटरी में भी अब 10,000 रुपए तक आपको कोई TDS नहीं देना, और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के केस में भी अब आपको 10,000 तक TDS नहीं देना, इज इट क्लियर? असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए 5,000 था, जो अब बढ़ करके कितना हो गया है, 10,000 हो गया है, इज इट क्लियर? अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, सेक्शन 194C, तो सी को हम बाद में सी करेंगे, पहले हम सेक्शन 194D को देख लेते हैं। 194D, इंश्योरेंस कमीशन, ढंग से सुनेंगे, इंश्योरेंस कमीशन, क्या है ये इंश्योरेंस कमीशन, कभी देखा है, सुना है? तुम लोग इंश्योरेंस करवाते हो, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, मैंने तुमसे इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर चेक लिया, क्योंकि तुम्हारा कोई भी काम इंश्योरेंस कंपनी में होगा तो बिना एजेंट या दलाल के कुछ होने वाला नहीं है, मैं वो चेक ले करके जमा करूंगा, मुझे इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देगी। पेयर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। पेई कौन है? इंश्योरेंस एजेंट। इज इट क्लियर? हम इसकी बात कर रहे हैं। एनी पर्सन पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रिमुनरेशन और रिवॉर्ड, वेदर बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज, फॉर सॉलिसिटिंग यानी मांगना और प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस,
इन एक्सेस ऑफ रुपीज असेसमेंट ईयर 16-17 में ये 20,000 रुपए है. असेसमेंट ईयर 16-17 में ये कितना रुपया था? 20,000, 20,000. लेकिन असेसमेंट ईयर 17-18 से ये 15,000 रुपए हो जाएगा, घट जाएगा. 20,000 से कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा. ढंग से सुनना. इन एक्सेस ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 17-18, जबकि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 है, फिलहाल छोड़ देते हैं उसको, टू एनी रेसिडेंट इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स. अगर आपको कमीशन का मिलने वाला अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 रुपए तक है तो कोई टीडीएस नहीं. उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. मालूम है तुम लोग को रेट कितना है, नॉर्मल 10% और 20% है, लेकिन असेसमेंट ईयर 17-18 से 5% एंड 20% हो जाएगा. 10% की जगह कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा. असेसमेंट ईयर 17-18 से आपका टीडीएस का रेट 10 हट करके 5% हो जाएगा. असेसमेंट ईयर 17-18 से टीडीएस का रेट इंश्योरेंस कमीशन पर 10% के बजाय 5% होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? अभी तक इंश्योरेंस कमीशन के बारे में मैंने बताया कि अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने किसी इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस का बिजनेस लाने पर जो कमीशन देती है, अगर उसका अमाउंट 15,000 रुपए से अधिक है, 17-18 के लिए 15,000 रुपए से अधिक है, तो उसको टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा. क्या रेट है? 5% और 20%. अगर पैन फर्निश्ड करता है तो 5%, पैन फर्निश नहीं करता है तो 20%. दैट इज ओवर. सेक्शन 194G, सेक्शन 194G जी, जब बिस्कुट के आगे जी लग सकता है तो लॉटरी बेचने वालों के आगे जी क्यों नहीं लग सकता? तो यहां पर हम कमीशन की बात करेंगे. अभी मैंने थोड़ी देर पहले कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन की बात की थी 194D में, और 194G में हम फिर कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसको? लॉटरी बेचने वाले को. अगर कोई कंपनी लॉटरी बेचने वाले को कमीशन देती है, ना, उस पर भी टीडीएस लगेगा. उस पर भी टीडीएस काट करके कंपनी लॉटरी बेचने वाले को पेमेंट करेगी. एनी पर्सन मेकिंग बाय वे ऑफ कमीशन रिमनरेशन और प्राइस एक्सीडिंग रुपीज प्रीवियस असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए 1,000 है, था असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए 1,000 बढ़ करके 15,000 हो गया है. 2,000 हो गया, 15,000 हो गया है असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए. अच्छा, टू एनी पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा जो स्टॉक में रखता है लॉटरी, डिस्ट्रीब्यूट करता है लॉटरी, परचेस करता है लॉटरी, बेचता है लॉटरी, हाँ या ना, तो उसको जब हम इस पेमेंट करेंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो हमें टीडीएस काटना पड़ेगा. 15,000 तक टीडीएस काटने की जरूरत नको. अगर हम उसको पेमेंट करते हैं कमीशन रिमनरेशन या प्राइस का, तो 15,000 तक असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए 1,000 था, जबकि असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए अभी ये बढ़ करके 15,000 हो गया है. 15,000 रुपए से अगर अधिक का कमीशन रिमनरेशन या प्राइस अवार्ड का पेमेंट करेंगे ऐसे एजेंट को लॉटरी बेचने पर, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करने पर, या उसके कमीशन, तो हम उसको कितने तक कमीशन देंगे? 15,000 तक. तो कोई टीडीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन 15,000 से ऊपर जाएगा तो टैक्स रेट था, टीडीएस का रेट था असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए 10%, अब ये 17-18 के लिए बढ़कर के 10% हो जाएगा, सॉरी 5% हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 16-17 के लिए 10% था और 17-18 के लिए कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 10 नहीं रहेगा, 5% हो जाएगा. इज इट क्लियर? और जब पैन नहीं फर्निश करेंगे तो 20% तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है. क्लियर? पैन, हाँ जी, मुझे एक बात फिर बोलने दो. अगर आप कोई लॉटरी बेचने का काम करते हैं, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, बात ना करो, आपको कोई कमीशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, आप एजेंट हो लॉटरी के, 15,000 तक अगर मैंने आपको पेमेंट किया तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा. 15,000 रुपये से अधिक का पेमेंट किया तो असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए 10% था, 17-18 के लिए ये 5% हो गया है, पैन फर्निश करने पर, ना करने पर 20% है. चल सकते हैं? अच्छा जी, सेक्शन बोलो. ये गुड्स की बात नहीं कर रहे, लॉटरी की बात कर रहे हैं. सेक्शन 194H,
सेक्शन 194H, इसके अलावा भी तो कमीशन होते हैं। उस बच्चे ने कहा सर गुड्स आ गया तुम्हारा H, क्या H, सामान खरीदने बेचने पर भी तो कमीशन मिलता है, नहीं मिलता? मैं सामान खरीदता हूँ तुम्हारे लिए कमीशन दो, मैं सामान बेचता हूँ तुम्हारे लिए कमीशन दो, तो कमीशन और ब्रोकरेज। कोई भी ऐसा कमीशन जो ऊपर नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी ऐसा कमीशन जो ऊपर हम लोगों ने 194D 194G में नहीं देखा है, अगर हम उस कमीशन का पेमेंट करते हैं 15,000, 5,000 बढ़ करके अब कितना हो गया है 15,000 से ज़्यादा, तो हमें TDS काटना पड़ेगा। कितना परसेंट? पहले ये 10% था, अब ये 5% हो गया है। पहले ये 10% था, अब ये 5% हो गया है। पहले ये 10% था, शायद नहीं लिखा था पिछली बार बुक में 10%, तो पहले ये 10% TDS रेट था, अब ये 5% हो गया है। पहले ये 10% था 16-17 असेसमेंट ईयर के लिए, अब ये 5% हो गया। तो कमीशन की अगर बात करो, सुनो याद रखने के लिए, अब चाहे इंश्योरेंस कमीशन की बात करो तो 15,000, सुनना, चाहे लॉटरी कमीशन की बात करो तो 15,000, चाहे तुम कमीशन और ब्रोकरेज की बात करो तो 15,000 लिमिट, तीनों कमीशन में 15,000 हो गई है। पहले 5-10 था, 5 हो गया, दूसरे में भी 10 था, 5 हो गया, और इसमें भी 10 था, 5 हो गया। सोचो ना, तीनों को सिमिलर ले आया गया, तो अब हम लोग को यहाँ दिमाग में सेट करने में दिक्कत नहीं थी, पहले थोड़ा टेंशन होता था, अब तो टेंशन भी खत्म। 15,000 और 5%, बात खत्म। बोलो ना, दो सेक्शन और बचे हम लोग के, जो हम लोग को पढ़ने हैं। पहला 194I, क्या आई? रेंट आई, मालिक बोलता है ना, का आई? रेंट आई, किराया आई। तो सेक्शन 194I, किराया, मैंने अपने मकान मालिक को पेमेंट करना है किराया, अगर साल भर में किराया 180,000 रुपए से अधिक है, अगर साल भर में दिया जाने वाला किराया मकान मालिक को 180,000 से ज़्यादा है, तो मुझे TDS काटना पड़ेगा। यानी मैं मकान मालिक को पेमेंट करूँगा किराए का, लेकिन टैक्स काट करके, ठीक है ना? हाँ या ना जी? सर एक बात बताइए, किराए पर तो हम बिल्डिंग भी दे सकते हैं, किराए पर तो हम प्लांट और मशीनरी भी दे सकते हैं। अगर हम प्लांट मशीनरी के किराए की बात करें तो 2% है TDS का रेट, और अगर मकान के किराए की बात करें तो 10% है TDS रेट। मकान के किराए की बात करें तो 10% TDS है, हाँ या ना? लेकिन प्लांट मशीनरी की बात करें तो 2% है। अच्छा सर, आपने प्लांट मशीनरी पर 2% का TDS बताया, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पर 10% का है। लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर पर 10% का है, केवल प्लांट मशीनरी पर 2% है। तो प्लांट मशीनरी डजंट इंक्लूड फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो प्लांट मशीनरी 2%, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी जो बचेगा, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, उस पर TDS का रेट 10% है। कहाँ तक? 180,000 तक माफ है, इसके ऊपर TDS लगेगा, हाँ या ना? बोलो। एक मकान दो मालिकों का है तो दोनों का 180-180 अलग अलग ले लेंगे, अगर एक मकान दो मालिकों का है तो दोनों का मकान अलग अलग कर लेंगे। एक मकान के दो मालिक हैं, यानी मैंने जिससे ये किराए पर लिया हुआ है उसके दो मालिक हैं, तो 360,000, 180 उसका, 180 उसका, अलग अलग कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? बोलो। हाँ हाँ, TDS कटेगा, 180 तक नहीं कटेगा, उसके ऊपर कटेगा। बात कर रहे हो या डांट रहे हो? अगर पैन नंबर नहीं फर्निश करेंगे तो 20%। एक लास्ट सेक्शन मैंने छोड़ रखा है बस, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब तक सी फॉर तुम लोग कैट जानते थे, अब सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर जानोगे। सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, मार खायो। सेक्शन 194C, बोलने दो, थोड़ा पेशेंस रखें, हम जानते हैं ओवर द हेड हो रहा होगा, सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, लोग कहते हैं सर फट रहा है। अरे सर नहीं, सिर बोलो, सर तो हमें सिर फट रहा है। कहाँ जा रहे हो? मास्टर साहब के। अरे मास्टर साहब हम नहीं, मास्टर साहब वो है कि नहीं? हम लोग को भी मास्टर बोला जाता है।
हाँ मास्टर साहब, 194C बात ना करो, क्यों बात कर रहे हो आशीष? तो वो बता देगा, आगे वाला बता देगा तुमको, मास्टर साहब हैं। 194C की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं। एक काम करो, तब हम जान रहे सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, नो डाउट अनडाउटली जा रहा होगा, कोई फायदा नहीं है। 194C में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा।